फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 पर आ चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के। और यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री। इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करा दी थी, इसमें यहाँ पे चलते हैं हम एक्सरसाइज पे देख लेते हैं। मैंने फर्स्ट आपको एक्सरसाइज करा दी थी, ये रही थी फर्स्ट 2.1 एक्सरसाइज। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए थे, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पर, सेकेंड एक्सरसाइज पे। इसके क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी हैं, ठीक है, तो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो, पहला हम क्वेश्चन ये आपको दिखा देंगे लगा के, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रक्चर किस तरीके से आप लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो दोबारा आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो उन वो क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वेश्चन हम अभी आपके सामने लगाएंगे, तो देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलो देख लेते हैं। यहाँ पे x को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y dy वाई अपॉन डी एक्स इज्क्वल टू क्या हो जाएगा, 2y माइनस एक्स। अब y को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो बचेगा dy वाई अपॉन डी एक्स इज्क्वल टू, यहाँ से y अपॉन में जाएगा तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो dy और dy अपॉन डी एक्स का यहाँ से वैल्यू निकल रहा है। अब मैं लेट मान लेता हूँ यहाँ पे वाई इज्क्वल मैंने बना वी एक्स। ठीक है, तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज्क्वल टू, ये दो जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको पद दिए हैं, तो फर्स्ट फर्स्ट और सेकेंड, इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, सेकेंड माने तो फर्स्ट इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएट, तो इसका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस सेकेंड एक्स एंड फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, तो डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज्क्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये जो डी वी अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, और यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इनकी दो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इसके इक्वल ये कर देंगे तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे मैं 2 माइनस एक्स अपॉन वाई। ध्यान रखना है यहाँ पे वाई की वैल्यू हम वी एक्स रखेंगे, अभी रख दो या मैं अभी बाद में रख दूंगा। ठीक है, आपको बताने के लिए इसकी वैल्यू इक्वल रखेंगे इसकी, तो इक्वल हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ध्यान रखना डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसके इक्वल ये रख दिया मैंने, और वाई की जगह मैं क्या रखूँगा, वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी टू माइनस एक्स और वी एक्स इज्क्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ध्यान रखना यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टू माइनस वन अपॉन वी, और ये वी था, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का ये भी हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ध्यान से देखना, इसका नीचे हम लॉगरिथम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू वी माइनस वन माइनस वी अपॉन में क्या बचेगा, वी इक्वल टू बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, देखो यहाँ पे डी एक्स एक्स और डी वी इनको साथ में रखना है, डी वी को इन सब वी के साथ रखना है, एक्स को एक्स है, तो ये डी एक्स है इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, और ये एक्स है इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर नीचे अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स को इधर लाते हैं डी एक्स, और ये एक्स था ये अपॉन में जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये जो इक्वल टू में डी वी है वो यहीं रहने देते हैं, और ये जो सारे पद हैं ऊपर वाले वो नीचे चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये जो सब में से माइनस कॉमन अभी नहीं लेता हूँ, बाद ही मैं माइनस कॉमन लेगा आपको समझा दूँ। यहाँ पे डी वी माइनस वन माइनस वी, और ये नीचे का था ये ऊपर जाएगा। ठीक है, कैंची का मल्टीप्लाई से ऐसे कहते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो नीचे का वी था ऊपर का चला जाएगा, तो क्या बचेगा, वी, और इस पर दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। अब इससे हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपने देखा ये, इसको पहले हम सॉल्व करें, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस में कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू में इंटीग्रेशन वी, माइनस कॉमन लिया बाहर तो नीचे यहाँ पे क्या बचा था, बचेगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे थोड़ी सी गलती की है हमने, यहाँ से जब इसका हमने लगता तो यहाँ पे वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, यहाँ पे वी स्क्वायर हो गया है, और आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वी
वी और डी वी अपॉन यहाँ पर जगह वी स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस वन माइनस टू वी, ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया मैंने, ठीक है। जो डी यहाँ पे देखेंगे आप, टू वी था ये प्लस का था, बाकी सब माइनस का था, जब माइनस कॉमन लिया तो ये सब प्लस का हो गया और टू वी था माइनस का हो गया। अब यही आगे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट करके, देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे अभी नहीं, देखो यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इजक्ल टू माइनस बाहर है और ये वी है और डी वी है, ये देखो कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, ये से हम ऐसा लिख सकते हैं वन वी माइनस वन का होल स्क्वायर, वी माइनस वन का होल स्क्वायर जब ओपन करें तो यही तो आएगा, वी स्क्वायर प्लस वन और माइनस टू वी, तो यही तो आएगा। तो अब वी माइनस वन स्क्वायर हम मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया राइट, वी माइनस वन स्क्वायर माना मैंने टी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इसका डिफरेंट करेंगे तो यहाँ पे वी का हो जाएगा वन और माइनस ये कॉन्स्टेंट है इसका होगा जीरो इक्वल टू डी टी अपॉन डी वी हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे जीरो है डी वी को स्थिर ले जाएगा तो डी वी इजक्ल क्या हो जाएगा डी टी, यहाँ पे डी वी इजक्ल डी टी निकल के आ रहा है और वी इजक्ल यहाँ से क्या निकल के आएगा, वी इजक्ल हो जाएगा वन को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो टी प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के वी इजक्ल क्या रहा है टी प्लस वन और डी वी अपॉन डी वी इजक्ल टू डी टी निकल के आ रहा है, तो यहीं पर हम यहीं रखेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे देखो रखते हैं इस साइड डी एक्स अपॉन एक्स इजक्ल टू माइनस इंटीग्रेशन वी की जगह क्या मैंने बताया टी प्लस वन, टी प्लस वन और अपॉन में यहाँ पे डी वी की जगह क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा और जो वी माइनस वन की जगह मैंने क्या माना था टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ये वर्ग है ना, वी माइनस वन की जगह मैंने टी रख दिया, वी की जगह टी प्लस वन और डी वी की जगह डी टी रख दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इजक्ल टू माइनस, यहाँ पे टी को अलग अलग कर लेते हैं तो टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। अब यहाँ से एक से टी एक कैंसिल आउट हो जाएगी तो डी एक्स अपॉन एक्स इजक्ल टू माइनस इंटीग्रेशन यहाँ से वन अपॉन टी बचेगा और प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। अब इस काम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग एक्स और इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस लॉग टी और इधर भी माइनस का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा माइनस और ये माइनस का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे, देखो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इसका डिफरेंशिएट करेंगे वन अपॉन टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस का टू हो जाएगा माइनस का टू, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्लस एक ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा टी की पावर माइनस वन और अपॉन वन आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वन अपॉन टी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वन अपॉन टी रहेगा और प्लस यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। अब यहाँ पे लॉग एक्स है और यहाँ पे लॉग टी है तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे लॉग एक्स प्लस लॉग टी इजक्वल टू वन अपॉन टी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला बन गया लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी लॉग एक्स प्लस लॉग टी का इजक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू टी, तो लॉग एक्स इंटू टी इजक्वल टू वन अपॉन टी प्लस सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू हमें रखनी है, टी की वैल्यू क्या है यहाँ से आप देखेंगे टी इजक्वल है वी माइनस एक्स, तो यहाँ पे रखेंगे वी माइनस एक्स, तो लॉग एक्स यहीं रहेगा इंटू वी माइनस वन, वी माइनस वन है ध्यान रखना वी माइनस वन है और इजक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन इज प्लस सी, ठीक है। तो अब वी की जगह क्या रखेंगे, इधर आप देखेंगे यहाँ पे वी की जगह क्या था और यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे तो वी इजक्ल क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स इजक्ल टू वी आ जाएगा, मतलब वी की जगह वाई अपॉन एक्स है, एक्स को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, वी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, तो यहाँ पे हम वी की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ध्यान से देखना लॉग एक्स वी की जगह रखेंगे हम वाई अपॉन एक्स माइनस वन इजक्ल टू वन अपॉन वाई अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी, जैसे सॉल्व करेंगे लॉग एक्स यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू यहाँ पर ऊपर लॉग एक्स चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा वाई माइनस एक्स प्लस सी, ध्यान से देखना एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैं अगले पेज में करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बचेगा
लॉग वाई माइनस एक्स बचेगा, तो आंसर लॉग वाई माइनस एक्स बचेगा इक्वल टू में एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस सी बचेगा। चलो हम आगे पे इसमें करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे बचा क्या था, लॉग वाई माइनस एक्स और इक्वल टू में एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस सी, यही तो बचा था, एक बार देख लेते हैं। हाँ यही बचा था। अब क्या लॉग वाई माइनस एक्स, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी। तो यही आंसर दिया है इसमें, इतना ही सॉल्व करना था। आगे सॉल्व करते आगे सॉल्व हो जाता, यहाँ पे जो सी कांस्टेंट है अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो ये सी कांस्टेंट है, इसको हम लॉग सी कर लिख सकते हैं। फिर इसको इस साइड ले जाएंगे मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पे सी का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ऐसे ऐसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हालांकि आंसर इतना दिया, यहीं तक सॉल्व करना था। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू निकालना है, जो भी निकल के आता है। यहाँ पे वाई स्क्वायर डी एक्स दिया है, इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का डी एक्स। अब यहाँ पे करना क्या है, डी एक्स को इस तरफ ले जाएंगे और एक्स एक्स माइनस वाई को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स कोष्टक में एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब मैंने फिर से वही लेट करना है, लेट वाई इक्वल टू एक्स वी। ठीक है, अब फिर से वही करना है, इसका डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल के आएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, उसी सेम तरीके से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने किया था। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से आपको देखना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, दोनों की वैल्यू पुट अप कर देनी है इक्वल में, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स कोष्टक में एक्स माइनस वाई और इक्वल टू में क्या बचेगा, यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ बचेगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यू वाई की रख सकते थे, वाई की वैल्यू क्या थी एक्स इंटू वी, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते थे, या मैं अभी बाद में रख दे रहा हूँ। यहाँ पे वाई की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस का एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एक्स अंदर में अंदर क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स इंटू वी और इक्वल टू में वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से हम एक्स कॉमन लेंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से मैंने एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, वन माइनस वी इक्वल टू बचा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे तो कैंसिल आउट ये हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर वी स्क्वायर, माइनस का नीचे डिवाइड कर देते हैं तो नीचे क्या बचेगा वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू में वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ध्यान से देखना, वी को हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। आगे करते हैं हम सॉल्व इसे, वी को हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे जगह वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन और वी को हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो जगह माइनस का वी इक्वल टू बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसका हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस का वी और यहाँ पे माइनस का वी और यहाँ पे इसका मल्टी जाएगा वी माइनस वन इक्वल टू अंडर में अंडर अपॉन में हो जाएगा वी माइनस वन इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका वी स्क्वायर माइनस अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे वी। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी हो जाएगा अपॉन में क्या बचा वी माइनस वन इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। वी स्क्वायर से कैंसिल आउट, अपॉन यहाँ पे क्या बचा वी अपॉन वी माइनस वन इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स और यहाँ पे डी वी है तो डी एक्स को इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे ध्यान देना डी एक्स और एक्स को नीचे ले जाएंगे यहाँ पे अपॉन में, तो एक्स इक्वल टू डी वी यहीं रहेगा और ये नीचे की रास्ते ऊपर जाएगी तो वी माइनस वन हो जाएगी यहाँ पे और नीचे ये भी वैल्यू थी इसकी इस तरफ जाएगी नीचे। ये देखो इस प्रकार से चलती है,
ये जो एक्स था ये नीचे गया, ये देखो, और डी एक्स था ये ऊपर चला गया है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप, ये डी वी तो यहीं मैंने रखा, लेकिन ये जो वी माइनस था इसको ऊपर ले गए वी माइनस वन, और ये वी था इसको नीचे ले गए तो वी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकलना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या बचा है, डी एक्स अपॉन एक्स है, और इक्वल टू में यहाँ पे दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन वी अपॉन वी हो जाएगा, और माइनस का वन अपॉन वी डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे डी वी हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा वन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं एक लाइन, हालांकि नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट आप सॉल्व करना सीख लेंगे जब प्रैक्टिस आप करेंगे, तो वन बचेगा माइनस वन अपॉन वी और डी वी दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका लॉग एक्स हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पे वन बचा, इसका क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग एक्स और लॉग वी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में कॉन्स्टेंट मैं लॉग सी मान लेता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे जो वी लॉग वी था इसको हम इस तरह ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा लॉग प्लस का हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लॉग इंटू वी इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस, वही आपको फार्मूला यहाँ पे बनेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू वी हो जाएगा यहाँ पे, और वी माइनस लॉग सी प्लस का है, ठीक है, लॉग सी। भी ध्यान रखना वी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे एक्स इंटू वी की जगह क्या रखेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इधर मैंने अभी रखा था वी स्क्वल, मैंने वाई स्क्वल क्या बनाया था वी एक्स वी, अब एक्स को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, वी की जगह वाई अपॉन एक्स रखेंगे, वाई अपॉन एक्स इसक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे बचेगा प्लस लॉग सी। ध्यान से देखना एक्स एक्स कट जाएगा, अब लॉग सी को इस तरफ ले जाएंगे तो लॉग वाई माइनस लॉग सी इसक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ध्यान से देखना ये आपको फिर से फार्मूला बना है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी हो जाता है, तो लॉग वाई माइनस सी है तो लॉग वाई अपॉन सी हो जाएगा, क्या जाएगा लॉग वाई अपॉन सी इसक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब देखो आगे मैं सॉल्व करता हूँ इसे, यहाँ पे देखना क्या बचा था, लॉग वाई अपॉन सी इसक्वल टू वाई अपॉन एक्स बचा था, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों बेस ई ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कह लिया ई लॉग वाई अपॉन सी हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा ई की पावर वाई अपॉन एक्स। ध्यान से देखना जब ई की पावर लॉग बेस होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका वाई अपॉन सी ओनली बचेगा, वाई अपॉन सी बचेगा, और यहाँ पे ई की पावर वाई अपॉन एक्स ही रहेगा। सी को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो वाई इजकल हो जाएगा आपका सी ई की पावर वाई अपॉन एक्स, और इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट और देख लेते हैं यहाँ पर, और इसमें जो एक्सरसाइज में ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सभी सेम क्वेश्चन है, आपको जो मैंने एक तरीका बताया उसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन लगाने हैं, बस आपको इंटरमीडिएट का लेवल का जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन करना है बस, ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं है इस एक्सरसाइज में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो जो माइनस टू एक्स वाई डी वाई दिया है इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स, और इक्वल टू में हो जाएगा टू एक्स वाई डी वाई। ध्यान से देखना जो टू एक्स वाई इसको इस तरफ ले जाएंगे और डी एक्स को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे यही ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में चला जाएगा ये टू एक्स और वाई इक्वल टू में क्या रहेगा डी वाई अपॉन, और ये डी एक्स इधर आ जाएगा तो डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेट मान लेना है आपको वाई इजक्ल टू वी एक्स, इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्ल टू, अब यहाँ पे मैंने आपको वही तरह उसी तरह से सेम तरीके से करेंगे जो अब मैंने पिछले बताया, तो यहाँ पे सीधा जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक ही तरह का पहले का पहला इंटू पहला पद एवं दूसरे का डिफ्रेंशिएट, और प्लस दूसरा पद एक्स एंड पहले का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकली है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
इसका मान जो ये दिया है इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब याद रखना वाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है वी एक्स, ठीक है, वाई की जगह क्या लिखेंगे वी एक्स। तो यहाँ पे ध्यान देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह मैंने बताया वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वी, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाई की जगह क्या रखा एक्स वी, तो एक्स स्क्वायर और वी हो गया, और इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे क्या चीज़ कैंसिल हो रही है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी ये, यहाँ से कॉमन लेके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखना बचेगा ओनली वन वन प्लस वी वी स्क्वायर अपॉन टू वी, ठीक है, और इक्वल टू में क्या बचा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से ये वी है इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू वी माइनस वी इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन अपॉन हो जाएगा टू वी और इक्वल टू हो गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का वी स्क्वायर बचेगा, तो वन माइनस वी स्क्वायर इससे माइनस कर देंगे टू वी स्क्वायर माइनस माइनस का है और ये प्लस का वी स्क्वायर तो माइनस करेंगे तो वी स्क्वायर बचेगा और अपॉन टू वी इक्वल टू में एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे और एक्स नीचे जाएगा और टू वी ऊपर जाएगा और वन माइनस वी स्क्वायर नीचे जाएगा डी वी के, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं डी एक्स अपॉन ये एक्स नीचे आ जाएगा एक्स इक्वल टू में डी वी यहीं रहेगा और डी वी के नीचे क्या जाएगा और डी वी और ये टू वी था ऊपर जाएगा यहाँ से तो क्या जाएगा टू वी अपॉन में आ जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट का मैं साइन लगा देता हूँ। अब याद रखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे वही तरीका, इसको मैं मान लेता हूँ लेट वन माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू मैंने टी माना तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस टू वी डी वी इक्वल क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा और ये माइनस का इस तरफ ट्रांसफर चले कर देंगे तो क्या हो जाएगा टू वी डी वी की जगह माइनस डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे 2v और dv दिया है इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस dt, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे इंटीग्रेशन dx अपॉन x इक्वल टू यहाँ पे 2v dv की जगह क्या रखेंगे माइनस dt, तो इंटीग्रेशन माइनस बाहर ले लेते हैं अंदर आ जाएगा dt और 1 माइनस वी स्क्वायर की जगह यहाँ से देखेंगे t आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा log x और इक्वल टू क्या है माइनस log t और प्लस log ये कांस्टेंट ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे लॉग टी को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू टी हो जाएगा, वही मैंने तरीका बताया इसका इस तरफ लाएंगे तो लॉग एक्स प्लस लॉग टी हो जाएगा, फिर आपका फार्मूला बन जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी का, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। सेम तरीके से इसको भी करना था तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा लॉग शी। अब यहाँ पे लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा और टी की वैल्यू रख देंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से वन माइनस वी स्क्वायर और इक्वल टू सी। अब यहाँ से देखेंगे वी की वैल्यू भी हम रख देंगे एक्स और वी की वैल्यू क्या है वी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जो अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, इसमें देखेंगे यहाँ पर ये तो v की जल्द v इजल टू क्या निकल के आ जाएगा y अपॉन x, x को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो v इजल क्या निकल के आ जाएगा y अपॉन x आएगा, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पे हम v की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजल टू सी ध्यान से देखना इधर क्या हो गया। और अब आगे मैं करता हूँ इधर पेज भर गया, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल के आया था x और 1 माइनस और v की वैल्यू रखनी थी यहाँ पे, ठीक है, इक्वल में c था v की वैल्यू यहाँ पे मुझे रखनी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x
वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, एक्स का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में एक्स रहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स कोष्टक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, एक एक्स एक कैंसिल आउट हो जाएगा और एक एक्स देखो मैं लिख के देखा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो एक्स है इसको हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो एक्स इंटू सी हो जाएगा हो जाए। अब यहाँ से क्या करना है देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस का है और इधर कांस्टेंट राशि है जो प्लस का सी दिखाई दे रही है, लेकिन हम इसे माइनस का भी लिख सकते थे प्लस का भी लिख सकते हैं, हालांकि अभी इसे ऐसे ही लिखने रहने देते हैं। यहाँ से जो माइनस का वाई स्क्वायर है आप यहाँ पर कई तरह सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर था ये जो इतने के बाद अगर आप आंसर में आंसर को मैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना माइनस का सी लेना पड़ेगा। अगर आंसर से वैसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप तो आंसर के हिसाब से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप कोई भी ये तरीका है ये भी आंसर रहेगा आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन आप आंसर मैच करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो भी मैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है माइनस का यहाँ पर निकल के आ रहा है वाई स्क्वायर, अगर आपको यहाँ पर माइनस सी लेते हैं तो आंसर सही आएगा, देखो माइनस एक्स सी हो जाएगा ठीक है। और यहाँ से अब क्या होगा यहाँ से जो वाई स्क्वायर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और ये था इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का एक्स सी हो जाएगा और इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। जो कांस्टेंट है इसमें हम किसी भी माइनस का मल्टीप्लाई करें या किसी कांस्टेंट राशि का मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो वो कांस्टेंट ही रहता सी रहता उसका कोई मान नहीं बदलता है, तो इसलिए इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है। इसमें कोई आप अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कांस्टेंट राशि कुछ भी रख सकते हैं लॉग सी, जैसे कि मैंने लॉग सी कांस्टेंट राशि लिया था इस साइड आप देखेंगे लॉग सी लिया था, सी की जगह मैं लॉग सी ले सकता था, तो कांस्टेंट राशि का कुछ भी चढ़ा चाड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से मैंने माइनस लिया है इसके साथ ठीक है, और यहाँ पे अभी एक्स का अब इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ एक्स जुड़ चुका है, इससे पहले ही मैंने माइनस लिया था। अब यहाँ पे एक्स ही हो जाएगा इस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स सी हो गया ठीक है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर होगा। अब यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या एक्स प्लस सी और इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यही क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। अदरवाइज अगर मैं इसका यहाँ पे प्लस का लेता यहाँ पे जो प्लस का सी था तो यहाँ पे क्या हो जाता माइनस सी हो जाता, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता आंसर वो भी सही था ठीक है। आप इन चीज़ों में गौर मत कीजिए ठीक है, ये सभी आंसर सही हो जाएंगे, यहाँ अगर माइनस होता तो भी आंसर सही है, अगर मैच करना चाहेंगे तो ये आंसर सही होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये यहाँ पे कुछ सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और इसी प्रकार की पूरी एक्सरसाइज है आप ज़रूर पूरी सॉल्व कीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो कमेंट में बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। और ये एक्सरसाइज 2.2 है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से जो मैंने आपको मेथड बताया है उसी के अनुसार सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे कुल 16 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे दिया गया है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन और आंसर की, यहाँ से आप नोट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है। आपको पता चलेगा जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।